हाय गाइस, चलो देखते हैं। हम लोग बनाए थे मुकुट। मुकुट के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे बेसिक शेप बनाया है। अब बेसिक शेप के अंदर आपको प्रोपोर्शन थोड़ा सा समझा दूं। ये बेसिक एक लाइन यहाँ पे जा रहा है, एक मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक लाइन, यहाँ पे एक लाइन, यहाँ पे। तो मुझे लगता है जितना स्पेस यहाँ पे उतना यहाँ पे भी होना चाहिए। तो वट आई वॉन्ट, मुझे लगता है थोड़ा सा प्रोपोर्शन मुझे थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, तो मैनेज करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मूव पे गए, मैं यहाँ पे गया। ठीक है, यहाँ पे अभी ट्रांसफॉर्म पे है। तो वट आई वॉन्ट, सबसे पहला काम तो मैं पहले ड्रॉ पे गए, यहाँ पे चीजें हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्म पे ये रेडियल सिमेट्री ऑफ कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, एक्टिव सिमेट्री भी ऑफ कर देता हूँ फिलहाल। ऑल्ट लेफ्ट क्लिक, यहाँ पे गए सेफ। मैं इसके प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग देखो, तो मैंने यहाँ पे क्या स्केल कर दिया। एक ये है स्केल, दूसरा आपका यहाँ पे साइज भी आता है। ठीक है, दो तरीके हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम स्केल बताया था, साइज बताता हूँ। साइज में देखो, ये थोड़ा सा पार्ट कैसा है, ये पार्ट ऐसे ऐसे ये बढ़ते हुए जा रहा है। ठीक है, सिर्फ प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पर, देन यहाँ पे चीजों को मैनेज कर सकता हूँ। गॉट इट। अभी यहाँ से अगर मैं देखो, मेरे पास सेफ कैसा है, ये पार्ट में यहाँ पे है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सेफ को भी मैनेज कर सकता हूँ। कि अभी मुझे यहाँ पे क्या चाहिए कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा चाहता हूँ भाई, मेरे को साइज थोड़ा बहुत और बड़ा करना है, ताकि प्रोपोर्शन के साथ थोड़ा सा मैच हो सके। तो अगर हम लोग रेफरेंस के साथ काम करें, तो ये प्रोपोर्शन के साथ आपको चीज आ रही है यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो भाई ये मेरा सेफ यहाँ पे दिख रहा है, ये सेफ मैंने यहाँ पे दिया। ठीक है, ये सेप के साथ अगर मैं तो आते हैं, मैं मैनेज करूंगा सेप ऐसा दिख रहा है। ठीक है, ओके। अभी मैंने यहाँ पे कहा भाई, मेरे पास यहाँ पे सेप है, एक को मैंने मैनेज करा, तो मेरे पास यहाँ पे सब नीचे के मुझे मैनेज करने पड़ जाएंगे। या नीचे के करो या इधर के करो, आपको मैनेज करने पड़ेंगे। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे ऑल्ट लेफ्ट क्लिक करते हैं, ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है। अभी इसके अकॉर्डिंग भी मैं देखू, मैं यहाँ पे चीजों को मैं मैनेज कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये ऑल्ट लेफ्ट क्लिक, ये देखो, ये गॉट इट, ये गॉट इट। ठीक है, तो यहाँ से मैं चीजों को मैनेज करके दे रहा हूँ भाई। मेरे पास यहाँ पे ऑल्ट लेफ्ट क्लिक, ये पार्ट मुझे यहाँ पे मिल रहा है। अभी यहाँ के शेप मुझे बनाना है, इसके ऊपर शेप बनाना है। ठीक है, तो अभी इसके ऊपर शेप बनाना है, तो शेप बनाने के लिए मैं पहले यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो एक बेसिक सा शेप नजर आ रहा है, इस शेप को मुझे मैनेज करना है। अभी एक शेप में बहुत ही प्रोमिनेंट नहीं है, बहुत ही प्रॉपर नहीं दिख रहा है यहाँ पे। देखो ये आगे से पतला है यहाँ पे, और यहाँ से मोटा दिख रहा है। ये एक शेप मुझे नजर आ रहा है, जिसको मैं एक बार मैं मैनेज करके दिखा सकता हूँ भाई, देख सकते हैं यहाँ पे कैसे क्या काम करना है। तो अभी फिलहाल मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे ऑल्ट लेफ्ट क्लिक पे गए, इसको मैं थोड़ा सा स्केल कर दिया, यहाँ पे स्केलिंग किया मैंने थोड़ा सा, ये नीचे कर दिया। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे गॉट इट, ताकि पार्ट आपको इस यहाँ पे दिखे। मैं थोड़ा सा इस प्रोपोर्शन को मैं मैनेज कर दू, ऑल्ट लेफ्ट क्लिक। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पे। अभी यहाँ से मैं करूँ, देखो ये पार्ट मेरे यहाँ पे दिखे, मुझे यहाँ से कनेक्टिविटी देना है। तो ये और ये कनेक्टिविटी मैं अभी सेम ही रहने देना चाहता हूँ, इसके साथ हम लोग थोड़ा सा जोड़ेंगे इसके बाद में, जैसे यहाँ पे लगता है ना। अभी देखो यहाँ से मैं काम करने के लिए मेरे पास तरीके बहुत है। अभी मैं आपको देखो, एक तो मैंने ब्रश यूज करना बताया, अभी एक आपको मैं बताता हूँ कि भाई इसी में से मैं शेप को कैसे मैं मैनेज कर सकता हूँ। लाइक देखो यहाँ पे, अभी यहाँ पे मैं गया ड्रॉ पे गया, अभी मैं एक एक शेप बनाऊ तो ठीक है। ऑल्ट लेफ्ट क्लिक, यहाँ पे गया। ठीक है, यहाँ से मैंने क्या कर दिया, ट्रांसफॉर्म पे गए, एक्टिव सिमेट्री वाई पे गए, रेडियल सिमेट्री ये मैंने कर दिया। देखो दिख रहे हैं यहाँ पे, अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, ट्रांसफॉर्म पे गया, यहाँ पे मैंने नंबर कर दिया 20। ठीक है, 20 करता हूँ, 20 के साथ मैं चीजों को मैं मैनेज कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, एंड देन यहाँ से मैंने कर दिया कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी मतलब जो आपका डिवीजन देना है। ठीक है, ये देखो ये शॉर्टकट आपके यहाँ पे देखे, ये है कंट्रोल डी, आप डिवाइड यहाँ से कर सकते हो सब टूल में जाके। अभी एक शेप मैं यहाँ पे आपको बना के देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे क्या कि भाई मुझे एक शेप बनाना, बहुत ही प्रॉपर बहुत ही पर्टिकुलर चीजों को मुझे मैनेज करना है। ठीक, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, कंट्रोल प्रेस कर दिया यहाँ पे, कंट्रोल प्रेस करके मैं यहाँ से शेप को ऐसे और यहाँ से शेप को मैं ऐसे करके मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। गॉट इट। अभी एक चीज देखो, इसे बोलते हैं मास्किंग। ठीक है, अभी ये बोलते हैं मास्किंग, भाई मास्किंग में है शेप मेरे पास ऐसा नजर आ रहा है, मैं यहाँ पे मैं चीजों को मैं मैनेज कर सकता हूँ। लेकिन एक चीज और बताता हूँ इसमें, देखो ये जो ब्लर है, तो समझो डिविजन मेरे पास प्रॉपर नहीं है, तो मैंने कंट्रोल और लेफ्ट क्लिक कर दिया। मैंने क्या किया, मैं जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जैसे मैं अपना जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड के साथ जैसे होता है ना ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, जैसे मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल प्रेस करता हूँ, कंट्रोल प्रेस करके यहाँ से मैं मैनेज करता हूँ, तो कंट्रोल प्रेस करके मास्किंग होता है। ठीक है, गॉट इट। तो अगर मैं यहाँ पे मैं काम करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे शेप्स कैसे हैं, दूसरी चीजें यहाँ पे मैं डिवाइड कर दूंगा, डिवाइड कर दिया मैंने पे। ठीक है, सेफ। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं मैनेज करता हूँ, मैंने यहाँ पे क्या किया, कंट्रोल प्रेस कर दिया। ठीक है, यहाँ से मैं इधर से मैं मैनेज करके देता हूँ भाई, यहाँ पे मैंने मैनेज कर दिया, देखो दिख रहा है। अभी ये एक बेसिक शेप है, मैं यहाँ पे इस चीजों को ऐसे मैं मैनेज करने वाला हूँ भाई, मेरे पास शेप ऐसा आने वाला है। तो यहाँ से मैंने क्या किया, देखना भाई इधर इधर मैंने थोड़ा सा शेप को रखा है। ठीक है, अभी आप इसमें चाहो तो इसमें थोड़ा सा और मैनेज कर सकते हैं। गॉट इट। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने साइज को लिया, तो मैंने यहाँ पे क्या किया,
अभी यहाँ पे मैं कंट्रोल एंड ऑल्ट प्रेस करके यहाँ पे तो होता है, मैं निगेटिव करता हूँ, साइज बहुत बड़ा है, ड्रॉ साइज यहाँ पे होता है, ड्रॉ साइज को छोटा कर दो आप यहाँ पे, और देन कंट्रोल एंड ऑल्ट ये आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो, ठीक है। और देन मैं आपको चीजों को मैं मैनेज कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है, अभी मैं सेप्स को दोस्तों ऐसे मैं मैनेज करके देखता हूँ, मेरा सेप ऐसे आ जा रहा है, और मैंने सेप को यहाँ पे जस्ट कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पे मैंने लिया, भाई मैं चीजों को मैं मैनेज कर रहा हूँ, तो मुझे सेप ऐसा कुछ चाहिए, ठीक है, कंट्रोल प्रेस करते हैं तो यहाँ पे आप यहाँ पे मैनेज करके देखते हो, अराउंडनेस बना सकते हो, ये पार्ट मैंने यहाँ तक करते, भाई मुझे ये पार्ट यहाँ तक चाहिए, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इतना पार्ट को मैंने एड ऑन कर दिया। अभी इस वाले पार्ट को मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल है लेफ्ट क्लिक, उल्टा कर दिया, ठीक है, दिख रहा है भाई। अभी देखो एक चीज और आपको बताता हूँ, शिफ्ट पे गए, यहाँ पे देखो कौन से लेयर्स लगते हैं, शिफ्ट एंड लेफ्ट क्लिक। अभी ये पार्ट मुझे निकालना है, ये पार्ट निकालने के लिए मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, एक्सट्रैक्ट है, एक्सट्रैक्ट पे गए, मैंने यहाँ पे डबल ऑफ कर देना, एक्सट्रैक्ट कर देना, ये पार्ट दिख रहा है आपको यहाँ पे, अभी ये पार्ट आपका एक्सट्रैक्ट होकर यहाँ पे दिख रहा है, गॉट इट। अभी जब तक मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा तब तक ये अलग नहीं आएगा, तो मैंने यहाँ पे एक्सेप्ट भी कर दिया, चलो एक्सेप्ट कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी एक्सेप्ट करने के बाद मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, देखो सिर्फ यहाँ से मैं मैनेज करता हूँ, ठीक है, ये सिर्फ मैंने यहाँ पे मैंने मैनेज कर दिया, ओके डन। अभी यहाँ से मैं चीजों को मैं मैनेज कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये सिर्फ ऐसे मैं मैनेज करके दूंगा, ओके। अभी मैंने कंट्रोल एंड डी सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, देखा पे। अभी सेप को मैं थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करता हूँ, मॉडिफाई करने के लिए मैं अपने बेसिक ब्रशेस को यूज करता हूँ, बेसिक ब्रशेस में मेरे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे मूव ब्रश आ गया, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं, चीजों को थोड़ा सा मैनेज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है भाई, मुझे अगर काम करना है तो मैं कैसे काम कर सकता हूँ यहाँ पे, ओके। तो अभी फिलहाल मैं यहाँ पे गया, जो मेरे एक्स्ट्रा पार्ट है जिसको मैंने एक्सट्रैक्ट किया, ठीक है, ये शिफ्ट ने लेफ्ट क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे, फिर से किया। अभी इसको मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, व्हाट वी वांट, हम लोग तो शेप को बनाना चाहते हैं, कर्व के साथ बनाना चाहते हैं, मैनेज करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ से मैं दोस्तों मैं मैनेज कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या किया, इसे मैं मूव ब्रश से मैं काम कर सकता हूँ, देखो मूव ब्रश है यहाँ पे, तो ड्रॉ साइज में दोस्तों मैं बढ़ा सकता हूँ। मैंने कहा भाई ये काम करते हैं, ये मैंने इधर की तरफ घींच दिया, देख रहे हैं अभी ये देखो इधर की तरफ घींच रहा है, तो मेरे सेप कैसे जा रहा है, सेफ प्रेस करो आप यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे ऑप्शन में सेव ही आ रहा है, गॉट इट। अभी आपको यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करोगे, एक तरीके आपका ये है कि आप यहाँ से मैनेज करके देखो, देखना अभी ये काइंड ऑफ मैंने यहाँ पे किया, ये काइंड ऑफ मैंने यहाँ पे किया, मैं ऐसे करके मैं मैनेज करके दे सकता हूँ, गॉट इट। शिफ्ट पे गए, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, शिफ्ट प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, और मैं इन चीजों को ऐसे और इस टाइप से मैं अगर मैं मैनेज करके दू, मेक श्योर वो सेप कौन सा बहुत ही प्रॉपर ये दिखना चाहिए, ठीक है, ओके। ये दिखना आपको यहाँ पे, ये सेप मैंने यहाँ पे लिया, ये सेप में ऐसे मैं ऐसे और ऐसे मैं मैनेज करके दे सकता हूँ, ठीक। अभी यहाँ पे मैं सेप को देखो, मेरे पास सेप कैसा है, अभी ये सेप को मैं थोड़ा सा इधर से मैं मैनेज कर सकता हूँ, देखो यहाँ पे अगर मुझे मॉडिफाई करना है तो मैं यहाँ से मैं ड्रॉ साइज मैंने यहाँ पे लिया, मैं भाई थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करना चाहता हूँ, ये सेप मैं इधर इधर से मैं मैनेज कर सकता हूँ, ये सेप मैं इधर इधर से मैं मैनेज कर सकता हूँ, गॉट इट। तो ये भी मेरे पास तरीका है। अभी देखो आप काम कर रहे हो, आप पेन टेबलेट से काम कर रहे हो या माउस से काम कर रहे हो, दोनों चीज आप पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे पेन टेबलेट से काम करोगे तो ज्यादा बेटर होगा, माउस से काम करोगे तो थोड़ा सा स्पीड स्लो होगा। तो व्हाट आई वांट, आई सजेस्ट कि आप लोग पेन टेबलेट यूज करो, तो देखो यहाँ पे अभी देखो ये शेप मैं आपको दिखाता हूँ, ये शेप में यहाँ पे नॉर्मली वन बाय वन करके मैं मैनेज कर रहा हूँ, ताकि मैं चीजों को मैं मैनेज करके दिखा सकता हूँ, गॉट इट। ये पार्ट में ऐसे करके मैं मैनेज करके दिखा रहा हूँ, भाई मेरा शेप ऐसा है, मैं ऐसे करके मैं मैनेज करके दे सकता हूँ, ठीक। अभी इसके अंदर मुझे यहाँ पे शेप में क्या चाहिए, भाई ये शेप मैंने लिया, भाई याद हो यहाँ पे, ठीक है, ड्रॉ साइज में छोटा यहाँ पे गए, ठीक है, यहाँ से मैं मैनेज कर दूंगा तो ये मैं चीजों को फुलफिल कर दूंगा, ये ठीक ओके। तो ये पार्ट हम लोग यहाँ पे चीजों को मैनेज करते हैं, तो मेरे पास यहाँ पे चीजों को बहुत तो बैलेंस कर सकता हूँ, ठीक है, बट इट। अभी यहाँ से मैंने क्या चाहा, मैं चलता हूँ शिफ्ट एंड साइड प्रेस करते, ये भी एक प्रोसेस है, आराम से करते हैं, जब सीख रहे होते हैं तो हम लोग को बहुत सी चीजों को मैनेज करना पड़ता है। ये देखो अभी ये जो पार्ट मुझे नजर आ रहा है ना, मैं किसी एक पार्ट को मैं पकड़ के, जैसे मैंने यहाँ पे क्या है, किसी एक पार्ट को पकड़ के मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं कवर अप कर देता हूँ, वही पार्ट ऐसे नजर आ रहा है, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मैंने मैनेज कर दिया, ठीक है, सेफ प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, गॉट इट। ये यहाँ से देख रहे हैं, ये मैं थोड़ा सा पार्ट ऐसे भी करके मैं दे सकता हूँ। अभी यहां से अगर मैं देखूं, मेरे पास यहाँ पे सेफ आएंगे तो मेरे यहाँ पे, ठीक है, शिफ्ट एंड प्रेस, देखो शिफ्ट प्रेस करते कैसा स्मूथ हो जा रहा है,
तो हमें यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ ये देखो यहाँ पे ये मैनेज कर देना है, बैलेंस करके चलना है। अभी मैं आपको थोड़ा सा एक बार इफेक्ट दिखाता हूँ पेन टेबलेट का। ओके अभी देखो मैंने पेन टेबलेट कनेक्ट किया, पेन टेबलेट कनेक्ट करने के बाद मैं पे क्या कर सकता हूँ, मेरे पास दिखाई रही है माउस से और पेन टेबलेट, मेरे पेन टेबलेट है बहुत इजी वे में सेफ को मैं मैनेज करके दे सकता हूँ। ठीक है अभी यहाँ पे देखो ये सिंपल सा पार्ट है, मैं यहाँ पे मैं मैनेज कर रहा हूँ। ठीक है मैं यहाँ पे देखो सिंपल, जब आप यहाँ पे चीजों को मैनेज कर देते हो ना, देखो कंट्रोल प्लस ये आपको कुछ पेन टेबलेट की सेटिंग भी बता देता हूँ। ये देखो पेन टेबलेट जो मैं यूज कर रहा हूँ मेरे पास एक्सपी का पेन टेबलेट है, लास्ट वाला बटन दबाया मैंने यहाँ पे जो मुझे यूज करना है, मैं आपको थोड़ा सा इसमें सेटिंग भी बता देता हूँ। ठीक है यहाँ पे देखो ये डिफॉल्ट दिख रहा है, डिफॉल्ट में मेरे पास विजुअल आ रहा है। अभी इसके साथ मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, देखो अगर मैं काम कर रहा हूँ तो सबसे पहला पार्ट में वैसे यहाँ पे पेन टेबलेट की चीजें हैं, मैं अगर चीजों को मैनेज कर रहा हूँ। ठीक है देखो ये सेटिंग है, ठीक है सेटिंग में मेरे यहाँ पे क्या क्या कंट्रोलर्स एंड इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ये सारे पार्ट मिलते हैं। ठीक है ये मैंने क्लिक कर दिया कस्टमाइज, यहाँ पे ये जो एरिया है इस एरिया को मैं कस्टमाइज कर सकता हूँ अगर आपको लगे। प्रॉपर्टीज है ठीक है, और ये प्रोपोर्शन का पार्ट है, आपके यहाँ पे फुल एरिया है। ठीक है ये हम लोग यहाँ पे देखते हैं स्क्रीन पे, हम लोग यहाँ पे अभी यहाँ से जब मैं चीजों को मैं मैनेज कर रहा था यहाँ पे, बस यहाँ पे पूरा देखो पूरा स्क्रीन दिख रहा होता है। ठीक है पूरा स्क्रीन में बस यहाँ पे सेट फुल स्क्रीन ये मेरे पार्ट यहाँ पे आ रहा होगा। ओके देखो यहाँ से मैं जब चीजों को देख रहा हूँ कुछ कुछ बटन देखो, ऑल्ट दिख रहा है, स्पेस दिख रहा है, ये मेरे पास कुछ सेटिंग है यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट होता है। ठीक है जब भी हम लोग पेन टेबलेट यूज करते हैं उसके अंदर क्या होता है कि भाई अगर मैं काम कर रहा हूँ तो इसके अंदर मैं सेटिंग्स के साथ प्ले करता हूँ। ठीक है स्क्रीन हमारा हुआ, यहाँ पे हम चीजों को देख रहे हैं, मेरे पास यहाँ पे चीज नजर आ रही है। ठीक है फुल एरिया है, यहाँ पे रोटेशन आपको रुकना है, रोटेशन आप करके देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है रोटेशन रोटेशन में इधर चले गए, मैं माउस यहाँ से कंट्रोल से बाहर, अभी रोटेशन करता है आपको ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे मैं आ गया इधर, तो ये रोटेशन करते हैं मेरे पास यहाँ पे, मैं थोड़ा सा अब मैं इधर से इधर देखो इधर जा रहा हूँ या इधर जा रहा हूँ, तो ये बस पार्ट इधर रोटेशन बड़े कंफ्यूज हो रहा है, वापिस आ जाते। ठीक है तो ये आपका नॉर्मल सी चीज है जिसको आप थोड़ा सा देख के काम कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने अभी काम किया मैं ले रहा हूँ मूव, ठीक है मूव के साथ काम करूँ, मैं स्टैंडर्ड ब्रश पे आता हूँ, स्टैंडर्ड ब्रश पे आते हैं। यहाँ पे स्टैंडर्ड ब्रश में क्या होता है, यहाँ पे सिंपल देख रहे हैं आप नॉर्मली बहुत आराम से स्मूथली आप स्कल्प कर पाओगे। ठीक है ये पार्ट मैं यहाँ पे देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे दिया भाई मुझे यहाँ पे क्या स्कल्प करना, मैं स्कल्प कर सकता हूँ। ठीक है किसी भी बेसिक प्रोपोर्शन को आप समझ जाओ, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया एक को मैं पकड़ता हूँ, मैं यहाँ पे गया सिंपल सा पार्ट में यहाँ पे स्कल्प कर रहा हूँ। ठीक है अभी यहाँ पे जब मैं काम करता हूँ इसके अंदर भी मुझे डिविजन चाहिए होती है, कंट्रोल डी कर दिया, डिविजन का शॉर्टकट मैंने आपको बता रखा है, ड्रॉ साइज है, ड्रॉ साइज छोटा कर दो आप यहाँ पे ये देखा। ठीक है ये पार्ट आप यहाँ से ऐसे करके भी आप ड्रॉ कर लेते हो। ठीक है ये देखो अब किसी के ऊपर चिपका के काम करना है ऐसे चिपका के काम कर सकते हो, एक साथ आपको 20 मॉडल पे काम करना है काफी। ठीक है अभी यहाँ से मैं करता हूँ मैं मूव पे गया, मैंने मूव पे जाकर मैंने पे क्या मैनेज किया, मैंने कहा भाई काम कर यहाँ पे शेप्स है, जितना बड़ा शेप्स आपको यहाँ पे हुआ स्टार्टिंग में आपको तो लगे भाई यहाँ पे कैसे काम करना है, लेकिन हाँ एक बार दोबारा प्रैक्टिस करोगे तो आपको यहाँ पे चीज आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है बट इट यहाँ पे शेप्स को तो था पकड़ लेना। ठीक है यहाँ पे आप स्कल्प पे जा रहे हो तो आपने स्टैंडर्ड पे गए, स्टैंडर्ड में गए ड्रॉ साइज छोटा कर दिया, आप यहाँ देखो यहाँ पे स्कल्पिंग कर रहे हो आप यहाँ पे देखना। तो ये एक है जो हम लोग एक ही ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे थे स्विफ्ट एंड स्मूथ। ठीक है देखना यहाँ पे ये पार्ट में यहाँ से देन ये पार्ट मैंने यहाँ से मैनेज कर दिया, गॉट इट। अभी देखो यहाँ से मैं मैनेज कर रहा हूँ यहाँ पे डिविजन है, देखा शेप में थोड़ा सा डिटेलिंग नहीं आ पा रहा है, इसका मतलब क्या कि मुझे यहाँ पे डिविजन देना है, तो डिविजन देने के लिए यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, देखो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन मिलता है मुझे ज्योमेट्री के अंदर डिवाइड, एक आध डिविजन और देना, तो यहाँ पे जब आप स्कल्प करोगे आपको आइडिया मिलेगा, बट एक आप ऐसे करके नॉर्मली आप स्कल्प करके मैनेज करके दे सकते हैं। अब देखो यहाँ पे मेरे पास कैसा है, जैसे मैंने यहाँ पे मैंने स्कल्प किया, एक तो मैं इसके ऊपर स्कल्प करके लेके आ सकता हूँ, तो स्टार्टिंग में आप लोगों के पेन टेबलेट पे उतना अच्छा कमांड नहीं हो रहा होगा। ठीक है तो आप इसे आराम से मैनेज करके दे सकते हो। अभी देखो मैंने यहाँ पे काम करते मैंने यहाँ पे दिखाया, अभी बीच में बस हॉलो है मैं उसे खींच के कवर भी कर दूंगा। ठीक है उसकी कोई टेंशन नहीं है, लेकिन दिखना मैं बस शेप्स ले रहा हूँ, मेरे तो कुछ तरीके दो हैं, या तो मैं पॉजिटिव स्कल्पिंग करूँ तो मेरे पास पार्ट है, या मैं अंदर से निगेटिव स्कल्पिंग कर दूँ, गॉट इट। तो अभी मुझे यहाँ पे किसी एक मेथड को पकड़ना है भाई मैं ऐसे कैसे काम कर रहा हूँ ताकि मैं भी चीजों को मैं मैनेज कर सकूँ। ठीक है देन यहां से अगर मैं काम करता हूँ ये देखा, ठीक है ये जो पार्ट है मेरे पास यहाँ पे
देखो निगेटिव स्कल्पिंग कर रहा हूँ यहाँ पे, तो निगेटिव स्कल्पिंग भी कर सकता हूँ यहाँ पे, ओके गॉट इट। यहाँ से मैं अगर काम कर रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पे शेप्स है यहाँ पे, ठीक है स्विफ्ट एंड स्मूथ, यहाँ से मैं मैनेज करता हूँ। अभी यहाँ पे सबसे बढ़िया आपका इसमें बहुत बढ़िया ब्रश है क्ले बिल्डअप, क्ले बिल्डअप देखो एड ऑन करने के लिए बहुत अच्छा है, एड देख रहे हैं क्या बढ़िया सॉलिड से एड आप यहाँ पे करके दे सकते हो, एक ही शेप का बहुत ही बढ़िया बहुत ही प्रॉपर वे में बना सकते हो। तो किसी भी चीज को अगर एड करने के लिए आपको करना है तो आई सजेस्ट कि क्ले बिल्डअप से ये चीज बहुत बेटर दिखेगा। निगेटिव करना है ठीक है, निगेटिव करने के लिए मैंने यहाँ पे निगेटिव कर दिया, आप निगेटिव भी कर सकते हो आपने, गॉट इट। शिफ्ट प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे तो स्मूथ कर दिया मैंने यहाँ पे, शिफ्ट का मतलब होता है शिफ्ट से देखो स्मूथ हो रहा है 100% स्मूथ यहाँ पे दिख रहा है आपके पास, यहाँ पे आप इन चीजों को मैनेज कर सकते हो अपने, ठीक है जितना कम डिवीजन उतने में आपकी डिटेलिंग कम आएगी। अभी यहाँ पे मैं चाहता हूँ मेरे पास यहाँ पे भाई इम्पैक्ट अच्छा है तो मैंने यहाँ पे देखो यहाँ से ये प्रॉपर दिख रहा है, आप आराम से वन बाय वन करके स्कल्पिंग करना, ये स्कल्पिंग का पार्ट आता है, आप स्कल्पिंग कैसे कर सकते हो ठीक है, आप चाहो स्कल्पिंग में काम करो स्कल्पिंग में काम कर सकते हो। अभी देखो यहाँ पे अभी मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, मैं स्कल्पिंग में गया तो चीजों को मैंने मैनेज कर दिया। अभी मैं चाहता हूँ ऊपर उठे साइड में गए मूव पे गए तरीके कैसे, अभी मैं चाहूँ तो मैं स्कल्प करके कर दूँ या मैं मूव करके कर दूँ, मेरे पास इजी क्या है दिख रहा है, एक शेप में एक और अच्छा था मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है अभी एक शेप कितना बढ़िया सा निकल के आ रहा है। अब यही से बनाने में टाइम लगता है, मैंने यहाँ पे क्या किया क्ले बिल्डअप पे गया, मैंने यहाँ पे फिर से ड्रॉ साइज को छोटा कर दिया, मैंने कहा भाई काम करो यहाँ से नॉर्मली स्कल्प करके यहाँ दिख रहा है ये काइंड ऑफ इसको पैसे दो ठीक है, ये दिख रहा है ये काइंड ऑफ ठीक है, देन यहाँ से चीजों को मैं मैनेज करके दूंगा तो मैं यहाँ पे चीजों को बैलेंस करके दूंगा ठीक है। अभी यहाँ से अगर मैं चीजों को मैं मैनेज कर रहा हूँ ठीक है, तो यहाँ से मैं बैलेंस कर दूंगा तो मेरे साइड पे काम हो ही गया ठीक है। अभी यहाँ से अगर आप चीजों को मैनेज कर रहे हो तो आप यहाँ पे काम करो ठीक है ओके। अभी यहाँ पे मैं तो इनको चिपका भी दूंगा, अभी देखो मेरे साइड पे कैसे छोटी छोटी चीजों को आप कवरअप करोगे, देखो ये छोटी सी छोटी चीजों को आप कवरअप करो सेफ दिख रहा है। अभी देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कंट्रोल एंड प्रेस करते हैं, ध्यान देना इधर मैंने कंट्रोल प्रेस किया है, इधर कंट्रोल प्रेस करने का मतलब मैं इसको इधर लेके आ सकता हूँ, गॉट इट। कंट्रोल प्रेस करने से जो डाल के रही है उसे बोलते हैं मास्किंग ठीक है। अभी देखो यहां से मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने कंट्रोल प्रेस कर दिया, देखो यहाँ मैंने कर दिया मैं चिपका सकता हूँ, गॉट इट, ये चिपकाया ना मैंने यहाँ पे। अभी यही मैं उल्टा कर दू यहाँ पे, जैसे मैंने कंट्रोल एंड क्लिक कर दिया ये वाला पार्ट में, यहां से मैं चिपका सकता हूँ, गॉट इट। ये आपका बेसिक सा फंडा है, तो भाई हम लोग ऐसे भी कवर अप करके काम कर लेते हैं, हमने यहाँ पे चीजों का मैनेज कर दिया है, मेरे पास यहाँ पे चीजें आराम से आ जाएंगी कवर हो जाएंगी, यहाँ पे स्विफ्ट एंड स्मूथ यहाँ से मैं मैनेज कर दूंगा। यहाँ पे क्ले बिल्डअप पे गए हम लोगों ने, यहाँ पे क्या कर दिया सिंपल सा पार्ट ऑल्ट यहाँ से मैं मैनेज कर देता हूँ, निगेटिव स्कल्पिंग यहाँ पे मैं कर देता हूँ ठीक है, स्विफ्ट एंड स्मूथ यहाँ से मैं मैनेज कर देता हूँ ठीक है। यहाँ से मैं चीजों को देखो 100% इससे मैं थोड़ा सा कम भी कर सकता हूँ, देख रहे जेट इंटेंस 100% तो थोड़ा सा कम स्मूथ होगा, आप यहाँ पे थोड़ा सा लाइक बेसिक से शेप के साथ आप यहाँ पे काम कर सकते हो। तो स्टार्टिंग में आप यहाँ पे ऐसे शेप के साथ अगर स्कल्पिंग कर रहे हो तो बहुत बढ़िया निकल के आएगा आपके साथ, गॉट इट। ये देखिए ये शेप आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये शेप आपको यहाँ पे दिख रहा है, आप इसे मैनेज करोगे तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा बेटर दिखेगा अपने, आप ऐसे भी करके फोकस करके दे सकते हो यहाँ पे ठीक है। यहाँ पे हमने किया, अभी देखो यहाँ पे मुझे अभी क्या लग रहा है कि भाई इसकी हाइट और ऊपर होनी चाहिए, अभी देखो बेसिक चीज बनाने का आपको पता चलेगा। अब हमने यहाँ पे क्या इसके ऊपर कर दिया, अभी मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ मैं मूव पे गया, मैंने कहा क्या किया अभी मुझे अगर ये शेप चाहिए तो व्हाट वी वांट, हम लोग यहाँ पे रॉ साइज पे गए, मैंने थोड़ा सा मूव कर दिया, मैं ऊपर आ जाऊँ है पॉसिबल ठीक है। अभी ऊपर तो आ गए, अभी ऊपर आने के बाद यहाँ पे क्या पता चला सेफ प्रेस कर दिया अंदर की तरफ आ जाओ ठीक है। तो यहां सबको शेप को समझना पड़ेगा, सेफ देखो ऊपर हमने किया ये ऊपर मेरे पास आ जाएगा, तो ये आपका शेप आपका ऐसे भी निकल के आएगा ठीक है। अभी देखो यहाँ पे मैंने बैंड दिया है, बैंड देना चाहो तो बैंड दे सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ पे नॉर्मल भी दे सकते हो, मतलब पीछे वाला शेप की नीड नहीं है। तो मैंने आपको बनाने के लिए बता दिया भाई मेरे पास शेप ऐसा है कि मैं शेप को ऐसे भी मैं मैनेज कर रहा हूँ और ऐसे भी मैं मैनेज करके दे सकता हूँ ठीक है। शेप प्रेस कर दिया मैंने कहा भाई आओ और अंदर आओ, तो इन चीज को थोड़ा सा समझने की कोशिश करने का ठीक है। अभी ये शेप मैंने यहाँ पे किया, ये पार्ट में यहाँ पे मैं यहाँ से मैं चीजों को मैं मैनेज कर सकता हूँ। अभी ये शेप चाहो तो आप देखो आपको टर्न दिख रहा है टर्न पे कर लो, यहाँ पे आपको लगता है भाई मुझे टर्निंग के साथ मुझे नीड नहीं है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा कर्व कर देता हूँ यहाँ पे, तो कर्व में अच्छा काम करेगा, तो मैं ऐसे भी काम कर सकता हूँ
गॉट इट। यहाँ पे शेप्स कैसे है, ये शेप्स के लिए आप यहाँ पे आप आराम से मैनेज करते हैं। देखो आपके सामने मैंने दो चीज यहाँ पे रख दी है, ठीक है, सेफ्ट एंड स्मूथ यहाँ मैनेज करो, यहाँ पे जो ठीक है पॉइंटेड से लाइन उसको आप यहाँ पे थोड़ा मैनेज कर सकते हो। अभी एक शेप को बनाने के तरीका मैंने आपको बताया। अभी देखो ये मैंने काम कर दिया, चला गया मैं क्ले बिल्डअप पे, गया क्ले बिल्डअप पे जाने के बाद ठीक है ड्रॉ साइज में बस यहाँ पे दिख रहे हैं, बिग ब्रैकेट से छोटा कर लेते हैं, ड्रॉ साइज है मैं बस यहाँ पे जेट सब्सट्रैक्ट मैं यहाँ पे निगेटिव स्कल्पचर कर देता हूँ, ठीक है। तो यहां से यहां तक मैं चीजों को मैनेज करता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे शेप्स कैसे हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या कि शेप प्रेस करके हल्का सा स्मूथ भी कर लिया, थोड़ा सा ड्रॉ साइज छोटा करके यहाँ से मैं थोड़ा सा बॉर्डर भी यहाँ पे देखिए बॉर्डर थोड़ा सा और क्रिएट भी कर देंगे यहाँ पे। तो मैं चीजों को ऐसे भी क्रिएट कर सकता हूँ, मेरे पास ऐसे देखो सब्सट्रैक्ट जा रहा है यहाँ पे, एड कर दो आप यहाँ पे, देखो एड देखिए यहाँ पे ये काइंड ऑफ और देन यहाँ से यहाँ तक मैं ऐसे मैं मैनेज भी कर सकता हूँ। तो लाइक व्हाट वी वांट हम लोग थोड़ा सा स्मूथ है, हम लोग क्ले भी कर सकते हैं सेफ एंड स्मूथ, ये मैं ऐसे मैं मैनेज करूंगा। फिनिशिंग का भी तो हम लोग यहाँ पे पार्ट देंगे जिसमें आपको अभी ड्रॉ करना बताया, क्योंकि ड्रॉ हमने किया। अभी देखो यहाँ पे मैं कैसे कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं गया या स्टैंडर्ड में गया, अभी यहाँ पे देखो यहाँ पे मैंने क्या किया जेड एड सब्सट्रैक्ट कर दिया मैं यहाँ पे, देख रहे ये मैं अंदर 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 डेप्थ को मैं लेके जा सकता हूँ। ऑल्ट से मैं यहाँ पे मैं मैनेज कर दूंगा, देखो छोटे से शेप्स को हम लोग कैसे बड़े से रिफाइन करके हम लोग बना सकते हैं। सेफ्ट एंड स्मूथ यहाँ पे दिखा है बस यहाँ पे, अब यहाँ पे मैनेज कर दो ये यहाँ से और ये यहाँ से ठीक है, यहाँ से जेड एड पे जाता हूँ ठीक है। तो यहाँ पे दिखा है सेफ को यहाँ पे मैं ऐसे करके मैनेज कर सकता हूँ। अभी इसी को देखो मेरे पास यहाँ पे कुछ आपको एच पॉलिश दिखाता हूँ, एच पॉलिश में क्या दिखा है, एच पॉलिश में क्या होगा मैं इसको थोड़ा हार्ड कर देता हूँ, हार्ड कर सकता हूँ ठीक है। इसी में आता है फॉर्मिंग, दो तीन बसेस में आपको इंट्रोड्यूस करा देता है, यहाँ पे क्लिक करना ब्रश पर और एफ प्रेस कर देना, एफ में आएगा फॉर्मी, फॉर्मी में कैसा आता है देखो फॉर्मी देखना है तो फॉर्मी सॉफ्ट, यहाँ पे कैसा होता है जैसे साइज पे मैं गया यहाँ पे और देन यहाँ पे मैं तो बहुत मैं ऐसे में मैनेज करके दे सकता हूँ, मेरे सॉफ्टनेस आ गया, तो सॉफ्टनेस मैं चीजों को मैनेज करके दे सकता हूँ। बट इट अभी यहाँ पे देखोगे तो आपको चाहिए थोड़ा सा पार्ट आपको नजर आएगा ठीक है। अभी हमने यहाँ पे क्या भाई ये मैंने किया मुझे यहाँ पे कैसा चाहिए वो मैं चीजों को एड ऑन करके दे सकता हूँ। तो एक सिंपल सा फिनिशिंग वाला पार्ट आ गया, फॉर्मी सॉफ्ट दिख रहा है फॉर्मी सॉफ्ट में हमने यहाँ पे ऑल प्रेस करके यहाँ पे मैं चीजों को मैनेज कर दूंगा, तो मैं यहाँ पे स्विफ्ट एंड स्मूथ में जाकर मैं थोड़ा सा मैनेज कर दूंगा ठीक है। अभी देखो यहाँ से मैं क्या चाहता हूँ, मेरे पास यहाँ पे चाहिए ड्रॉ साइज एंड देन मैं यहाँ पे थोड़ा सा बॉर्डर में बॉर्डर मुझे चाहिए ठीक है, बॉर्डर में काम कर सकते हैं देख रहे कैसे बढ़िया फॉर्मी सॉफ्ट से आप यहाँ पे स्कल्प कर पा रहे हैं। अभी यहाँ पे तो बैलेंस चाहिए, बैलेंस मतलब क्या होता है जैसे देखना एच पॉलिश हो गया, ट्रिम डायनेमिक हो गया, फिर ट्रिम डायनेमिक से क्या काम कर रहे हैं देखो आप, मुझे किसी भी सरफेस को अगर हार्ड बनाना है ठीक है ध्यान से देखो ये आपको हार्ड बनाने का काम दिखाया जाता है, आराम से तसल्ली से काम करो क्योंकि आज मैं आपको ब्रशेस भी इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ ठीक है। ये काइंड ऑफ देखो ये मैं मास्किंग के साथ में काम करूंगा तो कंट्रोल एंड डिसलेक्ट देखो मास्किंग में कहीं कहीं दिख रहे हैं ये पार्ट में यहाँ पे देखना ये मैं चीजों को ऐसे मैं मैनेज करूँ, ये पार्ट में यहाँ पे देखा ये काइंड ऑफ ठीक है, ये सिर्फ ऐसे करके भी मैं मैनेज कर सकता हूँ ओके। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा अलग से लग रहा है तो मैं ऐसे भी मैं मैनेज करूंगा। अभी एट द देखो यहाँ पे मैं चीजों को मैं मैनेज करूँ, मेरे पास यहाँ पे चीजें बेटर आ जाएगा। अभी देखो अभी हमने एक शेप बनाया, देखो दोनों शेप बनाने में थोड़ा सा डिफरेंसेस आपको दिखेगा, देखो ये हमने पहले एक शेप बना के ब्रश बना के बनाया, एक हमने मास्किंग करके बनाया, मास्किंग करके बनाने में थोड़ी सी मेहनत लगेगी लेकिन आपको क्या स्कल्पिंग के अंदर चीजों को मैनेज कर सकते हो कि आपका शेप कैसा है, चिपक के कैसा आ रहा है, चीजों को कैसे मैनेज कर पा रहे हो आप यहाँ पे ठीक है। और जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि भाई अगर मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ थोड़ा सा स्मूथ कर दूं यहाँ पे, तो स्मूथ में कैसे मैं मैनेज करके दे रहा हूँ, फिनिशिंग के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे बैलेंस करके दूंगा, भाई मेरे पास यहाँ पे चीजों को मैनेज करना है तो मैं ऐसे करके मैं मैनेज करके दूंगा, तो मेरे यहाँ पे चीज दिखेंगे यहाँ पे। किसी चीज को आप निगेटिव स्कल्पिंग कर रहे हो तो क्ले बिल्डअप का काम क्या है ये देखो भाई, अगर मैं यहाँ पे काम करता हूँ जैसे सब्सट्रैक है यहाँ पे ठीक है, तो देख रहे आप यहाँ पे ऐसे ही देखो देखा ये काइंड ऑफ देखा ये काइंड ऑफ आप ऐसे भी, लेकिन इसका साइज आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा ठीक है। आप ऐसे साइज से ज्यादा मैनेज करके दिखा सकते हो तो आपको चीजें यहाँ पे देखो देखिएगा आपके यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस के साथ अगर डील करते हो तो आपको चीजें दिखेंगे, मुझे यहाँ पे कुछ काम करना है तो ऐसे करके मैं मैनेज करके
मैं एड ऑन करके दे सकता हूँ। ठीक है, स्कल्पिंग का जो पार्ट है आपको यहाँ पे आपको देखने को सीखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जैसे जेड एड किया तो मैंने देखा यहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है, जैसे देखिए ना कई जगह पर बहुत बेटर कहीं इम्पैक्ट नहीं आ रहा होगा। जैसे देखो अभी यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, स्विफ्ट एफ वायर फ्रेम देख रहे पॉली फ्रेम। अभी यहाँ पे क्या, जब मैंने डिवीजन दिया तो डिवीजन ऊपर से यहाँ पे सब आया कि नहीं आया, तो एक प्रोसेस पे जाते हैं। अभी इस प्रोसेस के अंदर जो हम लोग जा रहे हैं, इसके अंदर मेरे पास यहाँ पे क्या है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे मेरे पास सब टूल में गए, सब टूल में जाके देखो मेरे यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे रिमेसर है, एक रिमेसर होता है। ठीक है, अब ज्योमेट्री देख रहे हैं, यहाँ देखो यहाँ पे मिलेगा आपको जेड रिमेसर। जेड रिमेसर का काम क्या होता है, जैसे ये मैस बना है स्विफ्ट एफ, अब इसमें बहुत ज्यादा कंट्रोलर्स नहीं मिल रहे मुझे, तो जेड रिमेस कर देता हूँ। जेड रिमेस करते देखो यहाँ पे कुछ एरर दिख रहा है, मैश डज नॉट कंटेन पॉलीगन ऑन द मेजर सिस्टमेटिकल सिस्टमेटिकल साइज। ठीक है, तो अभी वो साइज नहीं मिल रहा है, इस वजह से ये जेड रिमेसर नहीं हो रहा है। दूसरी चीज, मैं अगर मैं इसको मैं मैनेज करता हूँ, मैंने कहा जेड रिमेसर का भाई मेरे पास नहीं हुआ, इसका एक पार्ट और भी आता है। जैसे मैंने कहा भाई जेड रिमेसर के साथ मेरे पास एक होता है डायनेमस, डायनेमस का काम क्या है, इन सबको एक में जोड़ देना। जैसे मैंने क्लिक किया डायनेमस, डायनेमस होते ही देखो एक में जोड़ जाएगा। जैसे अगर मैं कंट्रोल एंड क्लिक करता हूँ, देख रहे कंट्रोल एंड क्लिक करूंगा, देखो यहाँ पे देख रहे डायनेमस पे क्लिक करो, देखो जोड़ गया ना यहाँ पे, तो ये बीच का शेप आपका कवर हो जाएगा। जैसे ज्वेलरी के अंदर आपको चाहिए होता है तो आपको कैसा चाहिए भाई, इसके अंदर मेरे पास शेप जुड़ जाए। ठीक है, यहाँ पे मैं गया, मैंने कर दिया 1024। ठीक है, और मैंने क्लिक कर दिया यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे मैं काम करता हूँ, मैंने यहाँ पे क्या किया, तो यहाँ पे क्लिक किया, देख रहे हैं अभी क्लिक करने पे यहाँ पे कैसा आ रहा है, देखो यहाँ पे चाहिए कैसे है भाई, मैंने यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, देख रहे हैं अभी यहाँ पे कंट्रोल एंड क्लिक करूँ तो ये मैस कैसा होगा, एक पे जुड़ जाएगा। कंट्रोल एंड क्लिक, अब इसको समझना पड़ेगा भाई डायनेमिक्स का रोल क्या है। देखो मैंने कंट्रोल एंड क्लिक किया, हैंग हो गया, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन मैं यहाँ पे देखो मेरे पे अंडू भी आता है, ये अंडू होता है वन, ठीक है। अभी ये दोनों अगर मैं काम करता हूँ तो इसमें मेरे पास बहुत बढ़िया काम करना चाहिए, लेकिन ये बहुत बढ़िया काम नहीं करने के पीछे एक रीजन बताता हूँ। ठीक है, सिलेक्टेड है, शिफ्ट एंड क्लिक करो, यहाँ देखो नीचे का शेप खाली है, ठीक है। जब नीचे के शेप में आप चीजों को भर नहीं पाओगे तो ये चीज कैसे होंगी, वो चीज ऐसा नजर आएंगे भाई ये चीज कैसे आ रही है। बट अभी यहां से मैंने क्या किया, देखो शिफ्ट एंड क्लिक किया, देखो यहाँ पे अंदर में कुछ नजर नहीं आ रहा, तो जब मैं इन सबों को मैं एड ऑन करूंगा यहाँ पे, तो चीजों को हम लोग अलग से फुलफिल करके दे सकते हैं। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे क्या, अभी मेरे पास एक डिविजन बढ़ाने का मेरे पास तरीका है, तो डिविजन कम करने का भी तरीका है मेरे पास, तो मैं डिविजन को कम कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने कहा कंट्रोल डी, कंट्रोल डी से क्या हुआ, डिविजन दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने किया शिफ्ट डी, शिफ्ट डी से एक लेवल कम हो गया, तो अभी कम पे जाके मैं से स्मूथ कर सकता हूँ, तो मैं ऐसे करके भी स्मूथ कर दूंगा, तो मेरे पास यहाँ पे चीजें बेटर दिखेगा। गॉट इट, यहाँ से मैं गया सिंपल द पार्ट, अरे छोटी छोटी चीज को हम लोग बना रहे तो हमारे पास क्या आइडिया मिलेगा भाई, यहाँ पे मैं चीजों को मैं मैनेज कर सकता हूँ। देखो ये पार्ट मेरे पास ऐसे दिख रहा है, तो मैं ऐसे करके भी मैं काम करके दूंगा, मेरे पास यहाँ पे चीजें आएंगी। ठीक है, तो अभी मैं ऐसे शेप्स के साथ भी मैं मैनेज कर दूं तो मेरे पास काम हो जाएगा। गॉट इट, ये जितना मैं आपस में चिपका के रखूं उतना ही ज्यादा बेटर दिखेगा मेरे पास, तो चिपका के रखने में ये ऐसे, इसलिए मैंने आपको ये दूसरा प्रोसेस बताया। दोनों प्रोसेस में आपको ये तो आइडिया मिल ही गया होगा कि भाई एक मैं मास्किंग के थ्रू बना सकता हूँ, एक मैं ब्रशेस के थ्रू बना सकता हूँ। तो मास्किंग के थ्रू बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, ब्रशेस के थ्रू बनाने में भी टाइम लगेगा, लेकिन हाँ ब्रशेस एक बार जो बन गया वही सेम सब पे आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मैं चीजों को ऐसे ही मैं मैनेज करके दे रहा हूँ, भाई मेरे पास जो शेप्स हैं इन शेप्स को मैं ऐसे करके बैलेंस करके दे सकता हूँ। देखो ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया, ठीक है, मैं चीजों को ऐसे नॉर्मली, फिर जब लगे तब डिवीजन बढ़ाना। ठीक है, स्मूथ साथ प्ले करो, अब स्मूथ साथ कितना प्ले कर सकते हो, देखो आप ये देख रहे, अब ये काइंड ऑफ यहां से और ये काइंड ऑफ यहां से, तो अभी यहां से मैंने एक शेप बना दी, चलो अब इस पे हम लोग काम करते हैं। देखो मेरा शेप दिख रहा है, एक शेप मेरे पास यहाँ पर आ रहा है, इसको अगर आपको ज्यादा फिनिशिंग के साथ चाहिए तो डिवीजन आपने डी बढ़ा के और थोड़ा सा स्मूथ कर सकते हो। ठीक है, अभी फिलहाल हम लोग यहाँ पे इसको इतना रखते हैं, बाकी हम लोग बाकी चीज को थोड़ा सा कवर करते हैं, फिर एक बार फिर से टचअप देंगे। अभी चलो यहाँ पे हमने काम किया, ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया, देखो ये रफ नजर आ रहा है, तो मैंने ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक कर दिया यहाँ पे और कंट्रोल डी कर दिया, स्मूथ हो गया। ठीक है, अभी यहाँ पे हमने कहा दो डॉट यहाँ पे दो लाइनें बना दी हमने यहाँ पे, अभी इसके नीचे यहाँ पे एक और पार्ट नजर आ रहा है, देखना ये पार्ट
अभी इसके लिए यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे गया ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक, ट्रांसफॉर्म में गए, एक्टिव सिमेट्री किया, वाई एंड रेडियल को मैंने कर दिया पे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं देखू मेरे पास यहाँ पे कितना है, ट्रांसफॉर्म पे गए और मैंने यहाँ पे कितना कर दिया अप्रोक्सीमेट, लेट्स से 20 करते हैं, ठीक है। अभी 20 करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे गया और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सब टूल पे गए और यहाँ पे कौन सा सिलेक्टेड है, ये दिस वन एंड शिफ्ट एंड क्लिक, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कंट्रोल प्रेस कर दिया मैंने, यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करके मैं कैसे काम कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे अभी कोई कैसे कटिंग कटिंग आ रहा है, मैंने अभी यहाँ पे क्या किया, मैंने क्या किया, कंट्रोल डी दो तीन डिवीजन दिया मैंने, यहाँ पे शिफ्ट पे गया मैंने, यहाँ पे देखो दिख रहा है ये पार्ट कुछ नजर आ रहा है। अभी मैं ऐसे भी करना चाहूँ, देखो ये पार्ट दिख रहा है, मैंने सिलेक्शन किया, सिलेक्शन देखो सब तरह सही है। अभी इसको मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मैं अगर चीजों को मैं मैनेज करूँ तो यहाँ पे हम लोग गए डिफॉर्मेशन पे, गए डिफॉर्मेशन में यहाँ पे एक ऑप्शन होता है जिसे बोलते हैं हम लोग इन्फ्लेट, बाहर निकलना है मुझे अंदर की तरफ ले गया, मास्किंग आपका सही होना, देखो मास्किंग सही है तो आपका सही आएगा, कंट्रोल जेड करो, देखो मास्किंग आपको सही नहीं दिख रहा है। मास्किंग के लिए मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, देखो ये दिख रहा है, देखो यहाँ पे ब्लर आ रहा है, तो मुझे दो तीन डिवीजन देने पड़ेंगे मास्किंग स्मूथ करने के लिए। मैं यहाँ पे क्या चाहिए कि मेरे पास जो भी मेरे यहाँ पे काम हो रहा है, ठीक है, ठीक है, यहाँ से मैं इतना पार्ट में मास्क कर लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ से मैंने शिफ्ट प्रेस कर दिया, यहाँ पे कंट्रोल प्रेस कर दिया, यहाँ पे ये कंट्रोल प्रेस कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैं चीजों को मैनेज कर रहा हूँ और मैं ऐसे करके दे सकता हूँ व्हाट वी वांट। यहाँ देखो अभी यहाँ से मुझे चीजों को बेटर करना है, ठीक। अभी यहाँ से मैं शेप्स को यहाँ पे ऐसे लेके दे सकता हूँ, मेरे शेप ऐसे नजर आ रहे हैं, ठीक है। अभी इनको मैं थोड़ा सा अगर बैलेंस करना चाहूँ तो मैं बैलेंस करके दे सकता हूँ, गॉट इट। अभी यहाँ से मैंने क्या किया, मास्किंग में यहाँ पे देखता हूँ, मेरे मास्किंग भी मिलता है, मास्किंग में ऑप्शन मिलता है जिसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, जैसे मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन है ब्लर मास्क, ब्लर में ये सही हो जाता है, जो तो अप डाउन होगा वो ठीक हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलता है जिसे हम लोग बोलते हैं शार्प मास्क, ठीक है। देखा शार्प कैसा हो रहा है, ब्लर कैसा हो रहा है, ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि आप चीजों को कैसे मैनेज कर किया। अभी मैंने यहाँ पे ब्लर किया, ब्लर करने के बाद अगर मैं जाता हूँ डिफॉर्मेशन में, डिफॉर्मेशन इसके ऊपर ही है, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया इन्फ्लेट, देखना अभी देखो कैसे सेव आ रहा है, तो ये मैं देखना पड़ेगा। मैं मास्किंग के साथ अगर मैं प्ले कर रहा हूँ, ये मैंने कंट्रोल एंड क्लिक कर दिया और मैंने इन्फ्लेट के साथ, देखो ये फाइल आपको ऑटो सेव हो रहा है, ठीक है। फाइल अगर आपको ऑटो सेव हो रहा है तो थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, हो गया ऑटो सेव। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे मैं मैनेज कर रहा हूँ तो मैंने इन्फ्लेट किया और मैं अंदर की तरफ लेके जा रहा हूँ, देखना यहाँ पे ये आपको समझना पड़ेगा आपको कब अंदर लेके जाना है कब बाहर लेके जाना है, ठीक है। दूसरी चीज है इसके साथ अगर मैं थोड़ा चीजों को मैं मैनेज करता हूँ, पास पास लेके जाता हूँ, देखो दिस लेकर ये से पैसा आ रहा है, फिर अगर मैं यहाँ पे काम करता हूँ भाई मुझे ये थोड़ा सा और फिनिशिंग में चाहिए, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा सेप को कम भी कर सकता हूँ, ये देखना भाई, ये देखो आइडिया मिल रहा है। आप यहाँ पे क्या कंट्रोल प्रेस करके आप काम कर रहे हो तो देखो आपको यहाँ पे चाहिए मिलेंगे क्या, सेफ प्रेस कर दिया। अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कंट्रोल प्रेस करके मैंने यहाँ पे देखा, ये देखो यहाँ पे देखे, या तो मैं इसको यहां से मैं लेके चलता हूँ, यहां से मैंने कंट्रोल प्रेस किया और देन मैंने यहाँ पे सेफ प्रेस कर दिया, ठीक है। तो मास्किंग आपको बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, जब तक आपका मास्किंग प्रॉपर नहीं होगा, इसलिए मैंने आपको क्या बोला कि आप पेन टेबलेट से जितना काम करोगे उतना ही ज्यादा बेटर होगा, आप चीजों को ऐसे मैनेज कर सकते हैं। तो देखो मास्किंग ही है मेरे पास यहाँ पर, ठीक है, मास्किंग के साथ ही मैं काम कर रहा हूँ, मैं कंट्रोल प्रेस करके ही काम कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। मैं ऐसे करके काम कर सकता हूँ यहाँ पे, चीजों को मुझे अगर मैनेज करना है तो मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ओके, गॉट इट। ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया, सेव प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, ऐसे मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अभी यहां से मैं कंट्रोल एंड ऑल्ट यानी कि एक बार पॉइंटेड भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लोग यहाँ पे सेव पेपर्स कैसे है, सेव को तो आपको मैनेज कर देना, सेव्स को जितना बेटर लेके चलोगे उतना ज्यादा बेटर आपको दिखेगा, ऑडिट। अभी यहां से मैं मुझे अगर तो बाहर के दिखाना है तो मैंने यहाँ पे क्या कर देना है, इन्फ्लेट पे गया मैं यहाँ पे, ये ऑडिट कंट्रोल एंड डिसलेक्ट, ये पार्ट आपको इतना देना इतना दे दो, इसको आपको और ज्यादा करना आप अंदर और कर दो यहाँ पे, डिसलेक्ट करते हैं, ठीक है। बाद में आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, सिंपल सा पार्ट शिफ्ट एंड स्मूथ, ये आप ब्लेंड कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है, ये भी आप ब्लेंड कर सकते हो तो बेटर दिखेगा, ऐसे हम लोग काम कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है।
कितना डेप्थ देना वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। ये आप जैसे यहाँ दिख रहे हैं, मैप ने कहा ये दिखना नहीं है, मैंने इस पर ज्यादा फोकस नहीं किया, लेकिन देखो अब यहाँ पे, अभी देखो यहाँ पे अगर सिंपल सा पार्ट में जाता हूँ, यहाँ पे और सब टूल पे गया और मैंने क्या किया, शिफ्ट एंड लेफ्ट क्लिक, देख रहे हैं फोकस कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी आपको मैं दिखा दूँ यहाँ पे, तो अभी आपको क्या है, देखो शेप आपको नजर आ रहा है। अभी आप शेप के साथ मैनेज करोगे तो आपको आइडिया मिलेगा, भाई ये देखो ये शेप में बस ये भी आया। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या, देखो यहाँ पे जो रिंग वाला पार्ट है उसको हमने अलग अंदर कर रखा है, देख रहे हैं। तो अगर मैं रिंग वाले पार्ट की बात करता हूं तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, शिफ्ट एंड क्लिक, ये हमने शायद स्प्लिट नहीं किया है, इसको भी स्प्लिट कर लेते हैं, देख रहे हैं। तो मेरे पास यहाँ पे स्प्लिट का एक ऑप्शन था जिसको हम स्प्लिट करते हैं, स्प्लिट में गए यहाँ पे क्या, ग्रुप स्प्लिट कर दिया, ओके ग्रुप स्प्लिट हो गया तो वो अलग हो गया, ठीक है। देन शिफ्ट एंड क्लिक किया मैंने यहाँ पे, ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक यहाँ पे कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है ओके। तो अभी अगर मैं मूव पे जाता हूँ, अभी देखा है तो उसकी भी नीड नहीं है, लेकिन हम लोग उसे लेके चलेंगे यहाँ पे, डुप्लीकेट कर दिया मैंने यहाँ पे और मूव तो जो हमने किया भाई, मूव कहाँ है, लोकेशन पे क्लिक करते हैं, लोकेशन पे क्लिक किया उसको मैं यहाँ पे लेकर आया कि नहीं पे ले रहा, तो शिफ्ट एंड क्लिक कर दिया, मास्किंग में कंट्रोल एंड डिसलेक्ट कर दो आप यहाँ पे, ठीक है। और देन शिफ्ट एंड क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे, देन मैं इसको मूव करके लेके जाता हूँ, गॉट इट। अभी ये जो पॉइंट है इसके साथ मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इसको मैं स्केल कर सकता हूँ, ठीक है, देख रहे आपके पास यहाँ पे। तो अब देखो ये पार्ट इससे थोड़ा सा बाहर है, मैंने तो इससे मैंने थोड़ा सा बाहर किया, बीच वाले पे क्लिक कर दिया, ऐसे करके मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे हम चीजों को थोड़ा सा बैलेंस करके दिखा सकते हैं।